नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपका दोस्त, आपका होस्ट IITN सुनील कुमार बनारस की पावन धरती पर स्वागत और तहे दिल से अभिनंदन करता है। तो मेरे अपने YouTube परिवार PS लॉ ब्लॉग में आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। तो हम बनारस की इस पावन धरती पर हैं। तो दोस्तों, बनारस जो है वो फेमस है बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो हाल फिलहाल में पिछले 4-5 सालों से जिस चीज़ के लिए खास फेमस हुआ था वो है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका आप दर्शन कर रहे हैं। जो वंदे भारत एक्सप्रेस है डायरेक्ट बनारस से होके, जो पहली वंदे भारत चली थी वो बनारस से नई दिल्ली के बीच ही चली थी दोस्तों, जो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चुनावी क्षेत्र भी है। और उसके बाद इस जो ट्रेन का स्टॉपेज है इलाहाबाद से और कानपुर, उसके बाद डायरेक्ट दिल्ली है। तो बहुत अच्छी ट्रेन है, आप 7 घंटे में आप क्या कहते हैं बनारस से दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो इसकी यात्रा भी किसी दिन आपको ब्लॉग के माध्यम से बताऊंगा। तो हम वंदे भारत से क्या कहते हैं आपके लिए एक्सक्लूसिव इलाहाबाद से बैठे हैं और बनारस की इस पावन धरती पे पहुंच चुके हैं। तो देखिए, मेड इन इंडिया ट्रेन है। और एक चीज़ और कि वीडियोस शुरुआत में जो फ्रेम है वंदे ट्रेन्स वीडियोस के, वो क्या कहते हैं इंस्टाग्राम लुक में है, तो इसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं क्योंकि उसमें प्रॉपर हमें उस मोल्ड में नहीं हम शूट कर पाए थे। तो हम प्लेटफॉर्म पे उतर चुके हैं और जो वीडियो आप देख के आए हैं लोलारा कुंड, उसके भी बारे में बताएंगे। लेकिन पहले थोड़ी सी बनारस की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जी हाँ, बनारस जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे पर स्थित है और सभी जानते हैं कि बनारस और वाराणसी, आज इसका प्राचीन नाम इसको बनारस ही बोलते थे और ये काफ़ी फेमस है। कुछ लोग काशी विश्वनाथ की नगरी के नाम से जानते हैं, कुछ लोग बनारस और बनारस की गालियाँ और बनारस का पान, बनारस की कचौड़ी, सभी को पता होगा कि बहुत ज़्यादा फेमस हो बनारसी साड़ियाँ। तो अगर आप बनारस की दोस्तों, जो बनारस की बात करें तो बनारसी साड़ियों, बनारस के घाट और एक बहुत स्पेशल चीज़ है जो देख के आप आए हैं वीडियो। जी हाँ, लोलारा कुंड बहुत ज़्यादा फेमस है, इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे और लोलारा कुंड में ऐसा क्या हुआ था कि लोग इस पर इतना ज़्यादा यकीन करते हैं। और ये देखिए, जो बनारस का बाहर स्टेशन का लुक है वो कितना प्यारा, कितना सुंदर लग रहा है। और ये जो चक्र है, इस चक्र की भी कहानी बताएंगे। ये जो चक्र आपको दिख रहा है तो और राष्ट्रीय ध्वज जिसके सामने नमन है और हमारा सर झुक जाता है और देख के कितना हर्ष महसूस होता है उस राष्ट्रीय ध्वज को सलाम और जय हिंद दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं बनारस की खासियत। और बनारस इस समय इसलिए भी लाइमलाइट में है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का चुनावी क्षेत्र है। लगातार 2 बार से बनारस की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बना के देश का सम्मान दिया है। तो बनारस में बहुत सारी चीज़ें हैं, बनारस बहुत प्राचीन शहर है। लोग बताते हैं कि ऐसा कल्प बताते हैं कि जब पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा लेकिन बनारस बचा रहेगा, ऐसा लोग कल्पना करते हैं। तो और बनारस की जब बात हो और काशी विश्वनाथ का दर्शन न हो, माँ गंगा के दर्शन न हो, तो ये कैसे हो सकता है। हम आपको लोलारा कुंड भी ले चलेंगे लेकिन उससे पहले हम आपको ले चलेंगे माँ गंगा का दर्शन कराएंगे। काशी विश्वनाथ के जो नए कॉरिडोर बने हैं वो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए कितना प्यारा लुक है, वाओ, मतलब कि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है चीज़ें, पर बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये जो दशाश्वमेध घाट से सटा हुआ है और हरिश्चंद्र घाट जिसे बोलते हैं, या इसको जहाँ पे ये ऐसा घाट है जहाँ पे शांति होती है लोगों की आत्मा की, जब तो वहाँ पे है ये घाट एकदम सटा हुआ है। उसको उस घाट का नाम याद नहीं आ रहा, हरिश्चंद्र घाट के नाम से कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग यस मणिकर्णिका घाट। तो मणिकर्णिका घाट से सटा हुआ ही ये वाला जो है कॉरिडोर बनाया गया, बहुत ही ब्यूटीफुल। देखिए कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, देखिए कितना ऑसम, कितना प्यारा लग रहा है। और इसकी तो बहुत सारे वीडियो आप इंस्टाग्राम पर भी देखे होंगे दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूब पे भी देखे होंगे। तो वो देखिए सामने जो एरिया दिख रहा है, मैं आपको अपने हाथ से इंगित कर रहा हूँ, वही मणिकर्णिका घाट है। कहते हैं कि जिसको कहीं मोक्ष नहीं मिलता, तो अगर वो अंतिम समय में बनारस में अपने प्राण त्यागता है या बनारस में उसका अंतिम संस्कार होता है माँ गंगा के पावन
उस पे, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसी कल्पना है पुराणों में, वेदों में। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सत्य है और लोग इसीलिए बनारस आते हैं, और बनारस नहीं आ पाते तो अपनी अस्थियां ज़रूर बनारस में माँ गंगा में प्रवाहित करते हैं। तो दोस्तों, जो हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं और दूसरे धर्म के भी लोगों को मैंने देखा है, चाहे वो पंजाबी हों, सिख हों, ईसाई हों, वो सब भी क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं पहली बात तो जैसे ईसाई हैं और मुस्लिम हैं उनकी तो अस्थियाँ, पारसी जो है उनकी तो अस्थियाँ विसर्जित नहीं होती, लेकिन वो लोग भी अपने परिवार की शांति के लिए भी इस घाट पे आके प्रार्थना करते हैं। और हिंदू धर्म के लोग तो पूरी तरह ही बनारस के इस पावन धरती पे जरूर आते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो दोस्तों, मोक्ष की अगर आप प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसा पुराणों में इंगित है कि मणिकर्णिका घाट एक बार आप जरूर आएँ जीवन में, देखें, और वहाँ आपको एक सुकून जो मिलता है, बहुत सारे लेखकों ने मणिकर्णिका घाट की आपकी किया होगा, और हरिश्चंद घाट भी इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब राजा हरिश्चंद, सत्यवादी राजा हरिश्चंद की विश्वामित्र ने परीक्षा ली थी दोस्तों, तो यहीं पे वो उनको ये अपनी ड्यूटी देने पड़ी थी। और कहते हैं कि अपने पुत्र को जो उनको पता भी नहीं था कि वो मेरा पुत्र है, जब उन्होंने अपने पत्नी को देखा, तो बहुत ही मार्मिक स्टोरी है, किसी दिन आपसे चर्चा करूंगा दोस्तों, तो बहुत ही मतलब आप रो देंगे। तो इस तरह की कि उन्होंने, राजा हरिश्चंद ने ऐसी ऐसी मतलब उनके बारे में बहुत ही कथाएं हैं, बहुत ही महान राजा हुआ करते राजा हरिश्चंद, उन्होंने सत्य के लिए, और उन्होंने स्वप्न में क्या कहते हैं देखा था तो विश्वामित्र को दान कर दिया था, तो उसकी भी कभी कहानी चर्चा करेंगे, जो अपने पुत्र राहुल के लिए उन्होंने किस हिसाब से पूरी स्टोरी है बहुत लंबी, उसकी चर्चा करेंगे। तो हम अब चलते हैं लोलारा कुंड के लिए। तो इस समय हम देखिए जो नया कॉरिडोर बना है उस पे हैं, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है, और हम अंदर का व्यू दिखाते रहेंगे, लेकिन अब लोलारा कुंड का वीडियो आपकी हिस्ट्री बताते चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोलारा कुंड है उत्तर प्रदेश के बनारस में तुलसी घाट के निकट स्थित है। अगर कभी आप जाएँ तो ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले, किसी से भी अगर आप बनारस स्टेशन पर पहुँचें तो आपको आ जाना है, क्या कहते हैं, उनसे बोल दीजिए भैया मुझे लोलारा कुंड ले चलो या तुलसी घाट ले चलो, तो बहुत ज़्यादा फेमस है। तुलसी घाट से सटा हुआ ही लोलारा कुंड है, और ऐसा महाभारत में बहुत प्राचीन है, ये कल्पना की गई थी कि जो इसका इतिहास है उसमें ये कहा गया था कि जो भगवान सूर्य के जो रथ का पहिया है वो यहीं पे गिरा हुआ था, मतलब यहाँ पे गिरा था, तो इसकी वजह से कुंड बन गया था दोस्तों। और पश्चिम बंगाल के लोकेश्वर महादेव मंदिर के महंत के अनुसार, जो यहाँ के महंत हैं उनके अनुसार, पश्चिम बंगाल के बिहार स्टेट के राजा चर्म रोग से पीड़ित और निसंतान हुआ करते थे, और कहते हैं कि जब वो यहाँ पे स्नान किए इस कुंड में तो उनको संतान की भी प्राप्ति हुई और उनका जो चर्म रोग था वो भी सही हो गया। जो राजा थे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और उन्होंने जो सोने की ऊँट से कराया था, इस कुंड का जो निर्माण है वो सोने की ऊँट से कराया था, और इसलिए इसको बहुत सारे लोग सूर्य कुंड के नाम से, लोलारा कुंड के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये स्नान के लिए जब आए, देखिए वीडियो में अभी आप लोलारा कुंड नहीं देख रहे हैं, ये जो नया कॉरिडोर बना है उसका मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि लोलारा कुंड की वीडियो शॉर्ट्स हैं और वीडियो के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप बनारस का भी आनंद ले लीजिए और लोलारा कुंड की इतिहास भी जानते रहिए दोस्तों। इसलिए इस कुंड को लोग क्या कहते हैं, सूर्य कुंड के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें कब स्नान करने के लिए आना चाहिए, तो बहुत ही ज़्यादा रस होता है दोस्तों। जी हाँ, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की षष्ठी, यानी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को दिन कुंड में पानी आ जाता है, और सूर्य की रश्मियों के पानी में पड़ने से संतान उत्पत्ति का योग बनता है, जो सूर्य की जो रोशनियाँ पड़ती हैं ऐसा लोग बताते हैं। अच्छा, ये जो पानी होता है ये कैसे आता है दोस्तों, आपको बता दें, जो माँ गंगा है ये लोलारा कुंड से तुलसी घाट के थ्रू जुड़ी हुई हैं, तो उन्हीं का पानी उस लोलारा कुंड में आता है, कहीं से एक्स्ट्रा पानी नहीं आता। लेकिन कहते हैं ऐसा उस कुंड में कुछ ऐसा खास है, या उस मिट्टी में ऐसी खास है कि जो आपको यकीन नहीं होगा, दुनिया के कोने कोने से लोग, विदेश से भी आपको यकीन नहीं होगा, अगर आप कभी वहाँ जाएंगे देखेंगे कि लोग विदेश से भी आते हैं और संतान प्राप्ति की उनकी मनोकामना वहाँ पूर्ण हुई है। अच्छा, वहाँ पे जो हैं पति पत्नी दोनों को स्नान करना पड़ता है, महिलाएं भी स्नान कर सकती हैं, और साधु संन्यासी भी वहाँ आते हैं मोक्ष के लिए स्नान करते हैं, लेकिन स्पेशली दंपत्ति के लिए ये
होता है। लेकिन एक चीज़ और है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, वहाँ का एक नियम है कि अगर जब भी आप स्नान करने आएंगे, कुंड में स्नान करेंगे, तो आपको अपने कपड़े वहीं उतार देने हैं, मतलब उस कपड़े को जीवन में दोबारा धारण नहीं करना है आपको। तो ये एक चीज़ है, अगर आप ये जानकारी बता दें जब भी आप आएँ, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो कपड़े आपको वहाँ त्याग देने हैं, शरीर के एक एक अंग के वस्त्र को, कोई भी वस्त्र आपके शरीर पे दोबारा नहीं होना चाहिए। तो आप कान में कुंडल, कुछ भी इस तरह का, आप सोने का, ये सारी चीज़ें ना पहने, क्योंकि कहते हैं कि कुछ भी वहाँ से धारण नहीं करना चाहिए। तो आप ये अगर जो आपके गहने हैं, ये सारी चीज़ें आप पहले से उतार के पूरी तरह प्रिपेयर होके आइए, क्योंकि बस आपको वहाँ स्नान करना है, और स्नान करके अपने शरीर के जितने भी वस्त्र हैं, जितने भी सोने चांदी के चीज़ें हैं, सारी चीज़ें उतार के वहीं पर छोड़ देनी है, उन्हें जीवन में दोबारा धारण नहीं करना। और बहुत सारे लोगों को वहाँ से पुत्र प्राप्ति, स्पेशली पुत्र प्राप्ति के लिए वहाँ लोग आते हैं, और संतान की वहाँ बहुत सारे लोगों को प्राप्ति हुई है। अच्छा, भादो की षष्ठी तिथि को सूर्य की किरणें, जो भादो की षष्ठी है उसकी सूर्य की किरणें इस कुंड की जगह को अत्यंत प्रभावी बना देती, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होती है, और फल खरीद में सुई चुभा जाती है, जिसे सूर्य की रश्मि का प्रतीक भी माना जाता है। और एक चीज़ और भी है कि यहाँ जो कोई फल होती है, कोई भी फूल, कहते हैं कि ये भी है कि वहाँ पर जिस फल को आप परचेज करेंगे, वहाँ फल भी बिकते रहते हैं बाहर, जैसे लौकी है, कद्दू है, कुछ भी इस तरह के फल, उनका जीवन में आपको जब तक पुत्र की प्राप्ति न हो जाए दोबारा आपको उसका सेवन नहीं करना उस ड्यूरेशन में। तो ये भी कुछ है, लोगों का ऐसा मानना है, और लोगों ने, मैं तो देखिए इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन अगर इतने लोग वहाँ पे आते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सत्य होंगी, तभी तो लोग वहाँ पे आते हैं। और इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, आपको मैं बता दूँ, टनों टन कपड़े लोलारा कुंड में, जो भाद्रपद की षष्ठी है, जो कि अगस्त और सितंबर माह के बीच में पड़ता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को जो भाद्रपद है वो हिंदी का भादो महीना नहीं पता होता, तो मैं उनको बता देता हूँ कि अगस्त और सितंबर के बीच में पड़ता है। तो आप जब भी कभी आएँ तो इस भाद्रपद की षष्ठी में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, तो इतना आप प्रिपेयर हो के आएँ कि लाखों लोगों के बीच में आपको स्नान करना पड़ेगा। यकीन आपको नहीं होगा, लेकिन जब आप कभी जाएंगे वहाँ तब आपको यकीन होगा कि इतने ज़्यादा लोग क्यों आते हैं। तो कहीं ना कहीं आस्था में सच्चाई होगी, तभी इतने ही लोग आते हैं। और कहते हैं कि महारानी जो अहिल्याबाई होलकर थी इंदौर की, इन्होंने जो ये कुंड का निर्माण है प्रॉपर तरीके से वो कराया था, बहुत ही सुंदर। और अहिल्याबाई होलकर को भी पुत्र की प्राप्ति यहाँ से हुई थी, ऐसा लोग कहते हैं। तो जो भादो का महीना है, अगस्त और सितंबर के बीच में, यहाँ लक्खा मेला लगता है, और बहुत सारी भीड़ है, और बहुत ज़्यादा लोग लोलारा कुंड को जानते हैं। तो आपको लोलारा कुंड के लिए परेशान नहीं होना है, अगर किसी भी रिक्शा वाले से, ऑटो वाले से बोल देंगे तो तुलसी घाट लोलारा कुंड आपको लिवा आएगा। दोस्तों, जो ये भाद्रपद की षष्ठी बोलिए, या लोलारक षष्ठी, या सूर्य षष्ठी, ये तीनों एक ही नाम है, आप कन्फ्यूज मत होइएगा कभी। तो इसलिए मैं आपको कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, भादो की षष्ठी, या लोलारक की षष्ठी, या सूर्य षष्ठी। अब मैंने इसका इतिहास बता दिया, सूर्य षष्ठी क्यों कहते हैं, कहते हैं कि सूर्य भगवान का जो क्या कहते हैं रथ का पहिया था, वो यहीं गिरा था, इस वजह से इस तरीके का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही फेमस जगह है लोलारक कुंड, और लोलारक कुंड में आपको ले चलेंगे तो आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर कंस्ट्रक्शन हुआ है यहाँ। और आपको बता दें, जो लोलारा कुंड है वो उत्तर प्रदेश राज्य के बनारस ज़िले में स्थित है, और एक कुंड है जहाँ पे माँ गंगा का पानी आता है और लोग स्नान करते हैं, और बहुत ही पावन कुंड है और बहुत ही फेमस कुंड है। लोलारा का अगर कभी आप इतिहास जुड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप गूगल कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी लोलारा कुंड के बारे में। पर एक वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि पिछले 2-3 साल से कोविड की वजह से लोलारा कुंड बंद भी कर दिए गए था, और लोलारा कुंड इतना फेमस है दोस्तों कि इंटरनेशनल न्यूज़ था कि लोलारा कुंड बंद कर दिया गया। बहुत सारे लोग परेशान थे कि भैया मुझे लोलारा कुंड में स्नान करना है, तो लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल को देखते हुए इस तरह से किया गया था। तो लोलारा कुंड का अपना महत्व है, लोगों की आस्था है, और मैं आस्था को सलाम करता हूँ। मैंने कई लोगों से बात किया था, एक्सक्लूसिव नाम नहीं लूँगा, लेकिन सब ने ये माना कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो है वो काफ़ी
जो है वो प्रभावित करने वाले रिजल्ट थे। काफ़ी लोग इससे सहमत थे कि हाँ ये सच है। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर जो स्नान करने के लिए लोग आते हैं वो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, बंगाल, नेपाल और कई आसपास जो काशी के ज़िले हैं तो यहाँ से लोग आते हैं। मैं बताया ना, और विदेशों से भी लोग यहाँ पे आते हैं। भारी भीड़ उमड़ती है दोस्तों, और अभी मैं दिखाऊंगा उस प्लेस को। प्लेस बहुत ही छोटा है लेकिन फिर भी वहाँ पे बैरिकेटिंग करके स्नान कराया जाता है। तो अब हमें ई रिक्शा के माध्यम से लोलारा कुंड की तरफ दोस्तों बढ़ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव वीडियो पीएस लव ब्लॉक में आप देख रहे हैं दोस्तों। तो चैनल आप पे ये जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए दिखाते हैं लोलारा कुंड। यहाँ आने के बाद इस साइड में आप चले जाइए लोलारा कुंड के लिए। ये दूसरी जगह जाता है जो, और यहाँ पे और मेन रोड, ये देखिए ये मेन रोड है। यहाँ से जब आप आएंगे मेन रोड से तो आपको इस तरफ जाना होगा लोलारा कुंड के लिए, और इस तरफ जाना होगा मुंडन कराने के लिए। तो इधर जाके अंदर गली में, और ये देखिए कुछ लोग आ रहे हैं लोलारा कुंड से। तो दोस्तों ये लोलारा कुंड को मैं दिखा रहा हूँ आपके लिए। ये देखिए लोलारा कुंड की जो ये दीवारें हैं काफ़ी घिरी हुई हैं, और लोलारा कुंड का इसमें पानी सूखा हुआ है। पर आप देख सकते हो जो छोटा सा कुंड दिख रहा है वही लोलारा कुंड है, वही जो है माँ गंगा से जुड़ा हुआ दूसरा सिरा। और यहाँ पर ही लोग आते हैं भारी मात्रा पर स्नान करने के लिए, और इस रास्ते से आप लोलारा कुंड की आ सकते हैं। तो बताया बहुत ही छोटी जगह है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, लाखों की संख्या में लोग स्नान करते हैं, भारी पुलिस बल तैनात रहता है। आपको यकीन नहीं होगा कि कम से कम 10 क्या कहते हैं ट्रक कपड़े षष्ठी को, लोलारक षष्ठी को निकलते हैं दोस्तों। एक चीज़ और है कि यहाँ पे महादेव की भी प्रतिमा है और सूर्य देव की भी प्रतिमा है। तो आप कहीं भी बनारस में जाएंगे तो भोलेनाथ की प्रतिमा आपको ज़रूर मिलेगी, और अपनी इच्छानुसार आप वहाँ पे दर्शन करके कुछ चढ़ा सकते हैं। ये लोलारक कुंड महादेव के नाम से भी फेमस है दोस्तों। यहाँ आप दर्शन कीजिए महादेव की और अपनी मनोकामना मानिए। अगर जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, आपको पुत्र प्राप्ति हो जाती है, पुत्री प्राप्ति हो जाती है, संतान जब भी प्राप्ति हो जाती है, तो फिर आप यहाँ पे उनका मुंडन स्नान भी करा सकते हैं दोस्तों। तो बहुत सारे दोस्तों ये लोग कहेंगे कि क्या आप इन सब चीज़ों पे यकीन करते हैं। मैं सच बताऊं, मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करता हूँ। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से ये माना है और उनसे ये जाना है कि ये जो सच्चाई मैंने आपको बताई ये सत्य है। लोलारक षष्ठी बहुत ज़्यादा फेमस है और लाखों करोड़ों लोग यहाँ आते अपने सपनों को साकार करते हैं दोस्तों। मेरा जो यूट्यूब परिवार है इस बात की पुष्टि नहीं करता है पुत्र प्राप्त की, लेकिन ये सच है क्योंकि वेदों में ऐसा लिखा हुआ है।